नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 14 मई है। आपको याद होगा हमने 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को एडेनियम्स का ऑपरेशन शुरू किया था और बीच बीच में हमने उसके एक दो स्टेजेस को मैंने रिकॉर्ड किया है कि उसकी ग्रोथ किस तरह से हुई है। कुछ एक एपिसोड्स में आपके सामने शायद ला पाई थी एक एपिसोड, लेकिन उसके बाद पौधे का किस तरह से ग्रोथ हुआ और किस तरह से फ्लावरिंग पे आया उसका आज ये फाइनल एपिसोड में आपके सामने ला रही हूँ। 14 फरवरी से 14 मई के बीच में मैंने एक दो स्टेजेस उसके और भी रिकॉर्ड किए हैं जो इसी वीडियो में आपको आगे में दिखाऊंगी। आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे कुछ आपको एडेनियम के पौधे दिख रहे हैं और जो भरपूर खिलखिलाए हुए हैं और फूल दे रहे हैं। तो ये किन किन स्टेजेस से गुजरे हैं, बीच में इसकी कैसी ग्रोथ रही है, क्या एक्सीडेंट्स रहे हैं और क्या गलतियां रही हैं, ये सारा इस वीडियो में मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये पौधे किस तरह से बिल्कुल खिलखिला के भरपूर अपने पूरे फ्लावरिंग स्टेज पे है। आइए। नमस्कार। एडेनियम के इतना सारा ऑपरेशन करने के बाद उसका आगे क्या हुआ, हमारा रिपोर्टिंग करने के बाद उसका क्या हुआ, वो जी रहा है या मर रहा है, ये सारे सवाल आप लोगों के मन में थे। जब पहली बार आप में से कई लोगों ने एडेनियम का ये ऑपरेशन देखा तो एक आश्चर्य सा सबको हुआ था कि क्या इतना उसको हैंग करके रखने के बाद, इतना सुखाने के बाद वो जी पाएगा। सो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ, पिछला जो तीसरा एपिसोड जब हमने इसको रिप्लांट किया था एडेनियम को, मेरे ख्याल से वो 6 या 7 मार्च को हमने किया था। आज 1 अप्रैल है, उसके बाद में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं और मैं आज वो दिखाना चाहती हूँ आपको कि जो हमने एडेनियम का ऑपरेशन किया था उसका आज क्या हाल है। आइए। ये है एडेनियम नंबर 1। अगर आपको याद हो हमने 16 या 17 बल्ब्स उस दिन रिपोर्ट किए थे। सो ये देखिएगा, ये बिल्कुल सही है, इसकी मिट्टी भी सही है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पानी बिल्कुल मात्रा में रखिएगा। इसका कॉडेक्स स्ट्रॉन्ग है और ये देखिएगा इसमें नया फुटाव आ रहा है। ये है एडेनियम नंबर 2। इसका जब हमारे माली ने पिछले साल कटिंग किया था, ये ग्राफ्टेड वैरायटी थी लेकिन उसने कटिंग इसकी गलत कर दी थी और ये देखिए ये जो ग्राफ्ट हैं इसी को काट दिया था। तो अब ये जो मदर प्लांट रहा है इसके ऊपर ये जो सारे डॉर्मेंट नोड्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये सारे डॉर्मेंट नोड से फुटाव आना शुरू हो जाएगा, इसमें अभी आया नहीं है। ये देखिए ये है तीसरा, इसमें देखिएगा बिल्कुल छोटी छोटी बर्ड्स आपको दिख रही होंगी, ये पिंक कलर की, इसमें फुटाव आ रहा है, इसमें भी फुटाव आ रहा है। और इसका ये जो तीसरा है इसके भी काफ़ी सारे नोड्स एक्टिवेट हो गए हैं, इसमें भी फुटाव आएगा। ये है नेक्स्ट और इसमें देखिएगा, इसमें भी जैसे मैंने कहा था हमारी माली ने कुछ गलती कर दी थी और ये जो ग्राफ्टेड पीस है यहाँ से भी कट कर दिया था और उसको यहाँ से भी कट कर दिया था, मगर फिर भी अगर आप इसको क्लोजली देखें तो देखिएगा ये जो नोड है इस नोड से फुटाव आना शुरू हो गया है, छोटा सा हल्का सा आपको कुछ एक हरा इसमें स्प्राउट दिख रहा है। सो ये भी सही है। फिर ये है नेक्स्ट, ये भी इसमें अभी तक कुछ हलचल दिख नहीं रही है हमको, ये भी गलत कटा हुआ है, हमारे माली को ग्राफ्टेड एडेनियम्स पता नहीं थे तो उसने सारा ये गलत काट दिया है, मगर कोई बात नहीं। चलिए। सो ये देखिएगा ये एक बड़ा था, इसमें देखिएगा आपको फुटाव दिख रहा होगा, ये देखिएगा ये शायद मैं पता नहीं कैमरे के साथ जस्टिस कर पा रही हूँ। और यह है नेक्स्ट, उसके बाद आइए इस पे आते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा बहुत सुंदर फुटाव है इसमें, ये देखिएगा ये सारा ग्राफ्टेड था और ग्राफ्ट बचा हुआ है इसका, ये ग्राफ्ट रहा होगा इसका ये वाला और इसके ऊपर ये सारे नया फुटाव आ रहा है, ये देखिएगा। फिर इसमें भी अभी मैं जो कहती हूँ कि हरदम नीचे के नोड्स एक्टिवेट होंगे,
तो ये सारे नोड्स हैं जो एक्टिवेट होंगे और इन्हीं में से फुटाव आना शुरू होगा, अभी इसमें आया नहीं है। इसमें रिपोर्ट करने के बाद मेरी दो एडेनियम्स की कैजुअलिटी हो गई, ये देखिएगा। ये इसलिए ये दोनों बल्ब्स ख़राब हो गए मेरे, ये एक इसमें लगा हुआ था और एक आप पीछे अगर देख पा रहे होंगे ये इसमें लगा हुआ था। ये दोनों ख़राब इसलिए हो गए, देखिए आपको ये बीच में इसका गड्ढा भी दिख रहा होगा जहाँ से मैंने निकाला है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली ऊपर ये मेरा हैंगिंग बास्केट है, तो जब भी हैंगिंग बास्केट में पानी देते थे बिल्कुल उसके नीचे माली ने ये गमला रखा हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा, और उसकी वजह से ये हैंगिंग बास्केट का पानी सीधे इसके कॉडेक्स पे गिरता रहा और ये कॉडेक्स मर गया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे ही था, यहाँ से मैंने वो गमला उठाया है, ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल हैंगिंग बास्केट है, वो हैंगिंग बास्केट का पानी पूरा नीचे इसके ऊपर गिरता रहा और ये बेचारे मेरे दो कॉडेक्स जो है ये शहीद हो गए हैं। सो ध्यान यही रखना है कि इसके कॉडेक्सेस को पानी लगना नहीं चाहिए जब भी आप इसकी मिट्टी में पानी दें। आइए अगले, और तीन जो बड़े बड़े थे वो मेरी दूसरी बालकनी में रखे हुए हैं, मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए तीन जो थे ये थोड़े बड़े थे और हमने इसको थोड़ा बड़े गमले में डाला हुआ है ऐसे ही तसलानुमा गमला, मगर इसको थोड़ा डीप, क्योंकि इसका कॉडेक्स और इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि ये 12 इंच के गमले में था तो इसलिए ये काफ़ी इसकी जड़ें बढ़ गई थी। तो आइए देखते हैं, ये देखिए इसमें भी फुटाव दिख रहा है, ये देखिएगा सुंदर फुटाव है, फिर इसके ऊपर अभी आने जा रहा है, बिल्कुल छोटी सी हलचल मुझे इसके नोड्स में दिख रही है और ये अभी शायद कैमरे में कैप्चर हो, इतना आया नहीं है, ये आ गया है, देखिएगा ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये देखिएगा ये आया है फुटाव, इसमें भी फुटाव आ रहा है और ये भी बिल्कुल सही है, ये कॉडेक्स बिल्कुल सख्त हैं, ये भी कॉडेक्स सारे सख्त हैं और ये भी कॉडेक्स सारे स्वस्थ हैं। सो ये सारे जो अभी एडेनियम्स हमने रिपोर्ट करे थे दे आर कमिंग बैक टू लाइफ, इसके आगे की स्टेज में क्या होता है हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तब तक हैप्पी गार्डन था। आज तारीख है 9 मई और मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये डेवलप होएगा और मैं आपको इसका बीच बीच में बताती रहूँगी, सो अभी ये फाइनल इसके फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है और इसलिए ये आज का वीडियो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। सारे वीडियोज़ में कंपाइल करके आपके पास एक बार मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। सो देखिएगा हमने, मैं जैसे पिछले इसमें भी मैंने कहा था कि हमने शायद 17 कॉडेक्सेस के ऊपर वो ऑपरेशन किया था 14 फरवरी में और 17 मेरे कॉडेक्सेस विंटर में रेस्ट कर रहे थे। सो ये देखिएगा ये है कॉडेक्स नंबर एक, पौधा नंबर एक, देखिए कैसे लहलहा रहा है, ये देखिएगा ये है पौधा नंबर दो, आप देख रहे हैं इसकी कलियाँ देखिएगा, इसके बल्ब देखिएगा और इसके भी देखिएगा, बिल्कुल ये खिल के एक्चुअली 3-4 मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते से ऊपर हो गया है ये खिलना शुरू हो गया है, मगर थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था तो मैं ही इसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। दो हो गया, सो ये है तीन जो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मेरे माली ने इसका रॉन्ग कटिंग कर दिया था, लेकिन इसका जो अभी मदर कॉडेक्स हैं उसमें से फुटाव आ रहा है, ये देखिएगा ये उसका ग्राफ्ट रहा होगा जो सूख गया है और नीचे से उसका फुटाव आ रहा है। ये हो गया नंबर चार, ये देखिए इसमें भी कली आई हुई है, फिर यह है नंबर पाँच, इसमें भी बहुत अच्छा फुटाव है और ये देखिए बड्स फॉर्मेशन इसमें भी हो रहे हैं, फिर ये है नंबर छः, इसमें देखिएगा बहार ही बहार है, डार्क रेड कलर का, मरून कलर का ये मेरा कॉडेक्स है, ये छः, ये सात, इसमें भी देखिएगा कलियों की बहार है, फिर ये हो गया आठ, इसमें भी काफ़ी अच्छा फुटाव है और देखते हैं कलियाँ अभी आएंगी, कोई बात नहीं अभी काफ़ी समय है, फिर यह है नंबर नौ, ये देखिएगा जो ये बड़ा कॉडेक्स था इसमें भी कितनी बड़ी कली आई हुई है, देखिएगा इसकी साइज़ देखिएगा और ये भी खिलेगा, फिर यह है नंबर दस जो बड़ा था एकदम हेल्दी, इसके पत्तों की साइज़ देखिएगा और इसकी ग्रोथ देखिएगा, दस हो गया,
फिर उसके बाद ये है 11, हमारे छोटे से महाराज, इसकी भी ग्राफ्ट की गलत कटिंग हमारे माली ने कर दी थी जो मैंने बताया था, और इसके लिए ये भी बिल्कुल मदर प्लांट से फुटाव ले रहा है। फिर ये है 12, इसमें भी देखिएगा कलियाँ, देखिएगा कितनी सारी कलियाँ आई हुई है, ये 12। उसके बाद ये देखिएगा, ये है 13, ये है 14, ये है 15। इन सब में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बिल्कुल जैसे ये पहली बार खिल रहे हैं, इस तरह से इनमें सारे लीव्स का फुटाव है। और ये दो वो जो मैंने कहा था कि बिल्कुल हैंगिंग बास्केट के नीचे रख के, और मेरे माली ने उन गलती कर दी थी, और दो एडेनियम्स की कैजुअलिटी मेरी इस साल हो गई है। सो ये डेवलपमेंट है, इसलिए जब भी आप एडेनियम को रेस्ट देना चाहते हैं और इस तरह से आप उसको रिजुविनेट करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेशन बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, ये सारा एक नज़ारा पूरा एडेनियम्स का। ये देखिए, दो बेबीज मेरे वहाँ पर भी हैं और ये सारे हैं, ये देख रहे हैं। सो ये सारे एडेनियम्स हैं। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लगता है कि हम आपकी कुछ गार्डनिंग में मदद कर पा रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे। ये देखिएगा, 14 मई की ये ग्रोथ है, ये है छोटा सा पौधा, इसका कॉडेक्स बहुत छोटा है, ये अभी आ रहा है, इसमें कलियां वगैरह निकल रही है, इसमें जी इसमें भी बाकी है। ये देखिएगा, ये है, ये देखिएगा, ये पूरा भरपूर काफ़ी मैच्योर्ड ये कॉडेक्स रहा होगा। और ये देखिए, ये पीला, फिर से ये लाल, और ये पूरा एडेनियम का सेक्शन है, और ये इस तरह से खिलखिला रहा है। बाकी एडेनियम्स अभी लाइफ में आ रहे हैं, और मैंने बीच में जो एक वीडियो लिया था उसमें भी मैंने आपको इनकी ग्रोथ दिखाई थी। धन्यवाद, हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। एनरिच सॉइल एंड सोल के एडेनियम के इस फाइनल एपिसोड में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।